and in chapter number 18, the name of the chapter is Alcohol, Phenol and Ether. Alcohol, Phenol and Ether. The name of the chapter is Alcohol, Phenol or Ether. आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. Very good. Alcohol, phenol, or ether is the chapter. So today we are going to discuss alcohol, phenol, and ether. अच्छा एक चीज तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा, this is the structure of water. देखिए जरा गौर से देखें ये structure of water. And two lone pair are present on oxygen atom. अब आप ये देखें कि इसी स्ट्रक्चर से तीनों स्ट्रक्चर निकले हुए अल्कोहल भी फिनोल भी और ईथर भी. कैसे? अगर हम इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दें और इसकी जगह पर हम आर ले लें. कैसे? देखें जरा, अगर हम आर लिख लेते हैं ये आर अल्कोहल बन जाएगा. वेरी गुड, वेरी गुड. तो दिस इज अल्कोहल. मैं लिख देता हूँ इसी तरह फिनोल में एक बेंजीन रिंग लगा देंगे. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. अल्कोहल बन जाएगा. इसी तरह इसी स्ट्रक्चर में अगर मैं यहाँ पर मैं यहाँ पे क्या लिखूं, इस पे और इस पे भी आर लिख दूं तो ये ईथर बन जाएगा. यहाँ पे दोनों पे आर और आर अटैच कर दूं तो ये बन जाएगा आपके पास ईथर बन जाएगा. ठीक है, देखें ईथर. और अगर मैं यहाँ पे बेंजीन का रिंग बना और ओएच लगा दूं, ठीक है, तो ये बन जाएगा. देखें जैसे ये आर है यानी बेंजीन का रिंग है. ठीक है, मैं बस को रेड से लिख देता हूँ. ठीक है, यहाँ से जी यहाँ पे अगर ये बेंजीन का रिंग है और यहाँ पे O और H ले लूँ, ठीक है, यहाँ पे भी ये दो लोन पेयर, यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी दो लोन पेयर, तो ये आपके पास आ जाएगा फिनोल. तो अल्कोहल, फिनोल और ईथर ये सारे क्या है? डेरिवेटिव ऑफ वाटर है. वाटर से डिराइव हुए, वाटर डेरिवेटिव है. ठीक है, वाटर डेरिवेटिव्स कह सकते हैं, पानी से निकले हुए. ठीक है बेटा, तो अल्कोहल, फिनोल और ईथर इज वाटर डेरिवेटिव. ठीक है, चलें इसी से आगे चलते हैं बेटा. अगर हम आगे, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज अल्कोहल. ठीक है, जिसको अल्कोहल कहते हैं, अल्कोहल. ठीक है, अल्कोहल को बेटा याद रखना, अगर इसके डेफिनेशन कहेंगे तो एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं. ठीक है, हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन होता है, या ऑर्गेनिक भी इसको कह सकते हैं. ठीक है, कंटेनिंग OH ग्रुप, जिसके अंदर कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके अंदर होता है. हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप. हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है बेटा? आपने OH को अगर देखा है तो इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं. ठीक है, इस कार्ड आरकार्ड तो वो कार्बन है, तो आरकार्ड अल्कोहल. तो ये तो इसकी हो गई है डेफिनेशन जो कि हमने डिस्कस कर ली. अब नेक्स्ट आते हैं, डेफिनेशन के बाद जो चीज आती है वो ये आता है कि इसकी क्लासिफिकेशन कैसी है. ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल. तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में बेटा सबसे इम्पोर्टेंट जो कि हम कह सकते हैं वो क्या है कि हमने इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में भी डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, इसकी हमने मोनो, ड्राई और ट्राई में भी किया हुआ है, हमने बहुत से किए. तो सबसे पहले तो आपने अल्कोहल को अगर हम देख लेना बेटा, अल्कोहल, तो अल्कोहल को याद रखना मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो सकते हैं. मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक, मोनो माने एक, हाइड्रिक माने OH ग्रुप, इसके अंदर एक OH ग्रुप होता है. ठीक है, मैं लिख देता हूँ, मोनो माने वन और हाइड्रिक माने OH. तो जिसके अंदर वन हो तो मोनोहाइड्रिक होंगे, जिसके अंदर दो होंगे वो डाईहाइड्रिक होंगे, जिसके अंदर तीन होंगे वो ट्राईहाइड्रिक होंगे, जिसके अंदर चार होंगे वो टेट्राहाइड्रिक होंगे वगैरह. तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है, अगर हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की क्लासिफिकेशन कर ले, मोनोहाइड्रिक की, ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें OH एक होता है, तो इसकी भी फर्दर थ्री है टाइप्स. ठीक है,
एक होता है प्राइमरी अल्कोहल, एक सेकेंडरी अल्कोहल और एक टर्शियरी अल्कोहल. तो प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज द फर्स्ट वन. द सेकेंड वन इज सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, और थर्ड वन इज टर्शियरी अल्कोहल. थर्ड वन इज टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल. तो ये तीन मोनोहाइड्रिक की किस्में आ गई है. ठीक है, एक एक एग्जांपल भी हम आपको बता देते हैं ताकि कहीं जरूरत पड़े तो आप इसको बता भी है. मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या है, जिसमें OH एक होता है. जैसे आपके पास में एक रेड से लिख देता हूँ, देखें बेटा, जैसे CH3 है और OH है, तो इसमें OH ग्रुप एक है तो ये मोनोहाइड्रिक है, प्राइमरी अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल. सेकेंडरी में क्या होता है, OH दो दफा होता है, कोई भी OH इसके अंदर दो ग्रुप लगे होते हैं. अब इसका मतलब ये सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब ये नहीं कि इसमें दो OH, आप ये समझ लें कि सेकेंडरी अल्कोहल में OH जो है ना वो दूसरे कार्बन पर होता है. ये समझने वाली बात है. अभी हम जब आप इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे तो हम आपको समझा पाएंगे कि CH, जैसे यहाँ पे एक CH3 है, ठीक है, और ये OH है. देखो तो OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ दो कार्बन अटैच है तो ये सेकेंडरी है. और टर्शरी क्या होता है कि OH जिस कार्बन के साथ अटैच होता है, जैसे देखिए कोई भी एक अल्कोहल है OH, वो जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उसके साथ तीन कार्बन अटैच हो, ठीक है, CH3 और CH3, ठीक है. या आप यहाँ से भी ये समझ ले सके, OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ एक कार्बन अटैच हो, ठीक है, ये जो CH3, और OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ अगर दो कार्बन अटैच है, यहाँ से भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है, CH3 और CH3. बस आप ये समझ ले कि जिसको मैं इनसर्कल कर रहा हूँ, ये देखो ये तीन, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है. तो ये OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसको टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं, और OH जिस कार्बन के साथ अटैच है अगर उसके साथ दो कार्बन अटैच है तो ये सेकेंडरी है, और OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ अगर एक कार्बन है तो प्राइमरी है. तो मोनोहाइड्रिक का पता चल गया बेटा. यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. नो सर. वेरी गुड, आगे चलते हैं. नो सर. वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड. अब इसकी आगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, अगला हेडिंग है नोमेनक्लेचर के. हमें नोमेनक्लेचर, जी बेटा, जी बेटा, मोनोहाइड्रिक का मतलब है कि सिर्फ एक है. जी बिल्कुल. फिर डाइहाइड्रिक का क्या मतलब है? इसमें OH दो होते हैं, जैसे ये देखो ना, ये दो कार्बन है ना, इसमें OH की जर्मिनल और विसिनल आ जाती है ना उसकी टाइप्स. नहीं, वैसे मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या होता है कि OH एक हो. डाइहाइड्रिक का मतलब क्या है कि OH आपके पास दो हो. तो सर डाइहाइड्रिक में विसिनल और जर्मिनल नहीं होता? नहीं नहीं, विसिनल और जर्मिनल का मतलब क्या होता है, विसिनल तो ये होता है ना कि अगर आपके पास देखो ना एक तीन कार्बन होते हैं ना, तो अगर OH एक कार्बन पे अटैच है, ठीक है, और दूसरा OH भी इस कार्बन पे अटैच है, तो ये हो गया जर्मिनल. जी सर. ठीक है, विसिनल ये होता है कि यहाँ पे अटैच है और यहाँ पे. अब देखो ये हो गया जर्मिनल, ये दोनों विसिनल हो गया, ठीक है, ये विसिनल हो गया. लेकिन अगर ये यहाँ पे भी अटैच है फिर ये विसिनल नहीं हुआ. जैसे आप देखो जरा, ये देखें, एक यहाँ पे OH अटैच है और एक यहाँ पे. अब ये डाइहाइड्रिक है क्योंकि यहाँ पर भी अटैच है और यहाँ पे भी अटैच है. लेकिन विसिनल तो सिर्फ कंसेक्यूटिव दो कार्बन पर उसको कहते हैं, ठीक है, कंडीशन है सर. सही. जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्कोहल. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. ये तो वैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है. अभी देखें बेटा, तो मोनो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल दो तरह का होता है, ठीक है. अगर मैं ये कहूँ कि या तो इसको कॉमन नेम होगा या आयुपेक नेम, तो दो तरह का होता है नोमेनक्लेचर, दो तरह का होता है. कॉमन नेमिंग है, कॉमन नेम. कॉमन नेम क्या होता है, जिस चीज़ से निकला हुआ है या जो नाम उसको प्यार मोहब्बत से कहते हैं उसको कहते हैं. और एक आयुपेक होता है जो कि एक सिस्टमेटिक सिस्टम होता है जिसमें उसके नंबर ऑफ कार्बन गिने जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप देखे जाते हैं, ठीक है, उसको आयुपेक और कॉमन. अब जैसे मिसाल दे रहा हूँ, देखें कॉमन नेम में सबसे मशहूर क्या है, देखो ये CH3 है, ठीक है, और OH. तो हम इसको हम क्या कहते हैं कि ये देखो ये ग्रुप मिथाइल लगा हुआ है ना, तो हम इसको कहते हैं मिथाइल अल्कोहल. ये मिथाइल लगा हुआ, ये साथ अल्कोहल है, तो ये मिथाइल कॉमन नेम में आएगा, ठीक है. इसी तरह इथाइल अल्कोहल है, या यहाँ फर्ज करो एक और है C6H5 है, बेंजीन है और ये OH है, तो ये जो ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप आपको ये देखो
ये बेंजाइल और ये अल्कोहल है, तो इसको हम बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ग्रुप लगा हुआ और उसको डायरेक्ट कहते ये तो, लेकिन जो आयुपेक की नेमिंग है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आयुपेक की नेम डिफरेंट का मतलब क्या होता है, जो आयुपेक है उसके लिए रूल्स हैं, आयुपेक नेमिंग के लिए बहुत ज्यादा रूल्स हैं, ठीक है। रूल्स का मतलब क्या होता है कि वो रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, अप्लाई करने पड़ेंगे, तब आप नाम दे सकते हैं। इनमें सबसे पहला क्या होता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन देखना होगा, यानी सेलेक्ट, मैं लिख देता हूँ, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन आपने ढूंढना है, ये रूल नंबर वन है। रूल नंबर टू इसका क्या होता है बेटा, कि अल्केन का जो ANE होता है ना, ठीक है, कोई भी हाइड्रोकार्बन से, जैसे अल्केन है ना, अल्केन, तो अल्केन से ई आपने हटाना है और इसकी जगह पे OL लगाना है, जैसे ईथेन है, ठीक है, तो ईथेन से आपने ई हटाना है और इसकी जगह पे OL लगाना है, तो ये इथेनॉल बन जाएगा, ठीक है, तो ये आपने OL लगा दिया। तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि आयुपेक में ही होते, हमने पढ़े हुए हैं पहले भी, ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हो तो मैं थोड़ा सा और भी रिवाइज कर लेता हूँ। इस तरह आपने OH को पोजीशन देनी है, यू हैव टू मेंशन आपने मेंशन करना है बेटा पोजीशन ऑफ OH। आपने ये देखना है कि OH कौन से कार्बन पर है, यानी पहले पे है तो वन, टू पे है तो डाई, इस तरह तीसरे कार्बन में क्या हो गया कि OH को नंबरिंग देनी है आपने, ठीक है। इसी तरह OH ग्रुप जो होता है वो अगर एक OH है, अगर एक OH है तो ऑल, अगर दो होंगे तो डाई ऑल, तीन होंगे तो ट्राई ऑल, चार OH होंगे तो टेट्रोल, पांच होंगे तो इस तरह चलता रहेगा, ठीक है, वगैरह वगैरह। बस ये तो थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पे हम आ जाते हैं, थोड़ी सी एग्जांपल, जैसे अगर एक कंपाउंड का नाम, जैसे ये देखें ना, ये एक कंपाउंड मैं बनाता हूँ, एक दो तीन चार, मैंने चार कार्बन बना दिए, यहाँ पे OH लगा दिए, ठीक है। अब इसको अगर मैं नंबरिंग दूंगा तो CH3 CH3 CH2, ये देखा देखें, अब देखें इसको नंबरिंग यहाँ से दूंगा जहाँ से ये नज़दीक होगा OH, जहाँ से नज़दीक होगा, तो आप देखें ये 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 होते हैं, ब्यूटेन बनेगा, अगर वैसे भी देखा जाए तो ब्यूटेन है, लेकिन जब OH लगोगा तो ये ई हट जाएगा, OL आ ब्यूटेनॉल, और पोजीशन नंबर टू पर OH है तो ये बन जाएगा 2-ब्यूटानॉल। खैर ये सारा आपको आता है, इसमें इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर एक और कंपाउंड में लिख देता हूँ, देखो ये CH3 है, इस तरह ये CH है, इस तरह ये CH2 है, और एक और कंपाउंड जैसे इसी के साथ अटैच हो जाता है, ये लो, इसके साथ मैं लगा लेता हूँ वाइट, लगा लेता हूँ यहाँ पे एक CH3 लगा लेता हूँ और यहाँ पे एक OH लगा लेता हूँ, तो अब इसको नाम कैसे देंगे, देखो सबसे पहले तो आपने ये देखना है लोवेस्ट पोजीशन किसको बनती है, ठीक है, तो लोवेस्ट पोजीशन यहाँ से बनेगी, देखो जरा 1 2 3 4 और 5, 4 पे मिथाइल अटैच है, तो 5 को वैसे देखो ना, 5 है ना, तो याद रखना मैंने क्या कहा था, पेंटेन नाम है, पेंटेन जब 5 होगा तो ई को हटाना है और इसकी जगह पे OL लगाना है, तो ये पेंटेनॉल हो जाएगा, पहला तो काम आपने ये करना है। और कौन सा पेंटेनॉल है, 2 के ऊपर OL है तो 2-pentanol है, ये भी आपको बता दिए। और मिथाइल कौन से कार्बन पे अटैच है, 4, तो 4-methyl ग्रुप अटैच है, 4-methyl 2-pentanol नाम आपके पास आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये तो मैंने वैसे रूल्स बता दिए, बहुत इजी से हैं, हमने इनको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। बाकी हमारा कुछ इससे कुछ रिलेटेड टॉपिक होते हैं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जितनी भी होती है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, डेंसिटी होती है, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, प्रॉपर्टी होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने ये देखना है, ये ज़्यादातर इसकी जो प्रॉपर्टी के, जनरली जितने भी अल्कोहल्स होते हैं ना, जनरली ये सारे जो होते हैं ना, ये कलरलेस लिक्विड होते हैं, कलरलेस होते हैं, इसकी पहली क्वालिटी है, फिजिकल कलरलेस लिक्विड में होता है, ठीक है, पहला तो ये क्वालिटी हो गई है। दूसरी जो सबसे बड़ी क्वालिटी इनकी है कि इनकी स्वीट स्मेल होती है, इनकी बहुत ज़्यादा स्वीट स्मेल होती है, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है अल्कोहल की, ठीक है, ठीक है। और एक और भी देखे कि इनकी जो टेस्ट होता है ना, इनका जो टेस्ट होता है ना, ये क्या होता है, बर्निंग होता है, जलाता है, ठीक है,
बर्निंग टेस्ट शराब का भी ऐसा ही होता है ना सर सबके ऐसा ही होता है तो शराब तो इसी को कहते हैं ठीक है वगैरह इसी तरह और भी हैं पी के देखेंगे सर हाँ नहीं नहीं अल्लाह ना करे ना ही पियो तो अच्छा है बेटा अच्छा एक और भी देखे बेटा इसकी जो ये इट इज सॉल्युबल इन वाटर इट इज सॉल्युबल इन वाटर पानी में हल होता है और इसकी रीजन क्या होती है बेटा इसके अंदर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये सॉल्युबल है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट भी हम इसको ये कह सकते हैं ना कि इसका जो क्या कहते हैं ना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं ना वो अल्केन से ज़्यादा होते हैं तो हाई इसका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट प्लस बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है किससे फ्रॉम अल्केन से ज़्यादा होता है ठीक है अल्केन से इसका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह इसकी रीज़न भी क्या है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल अल्कोहल के अंदर अल्कोहल की स्पेलिंग जो है ना अल्कोहल के अंदर जो होती है ये होती है ठीक है जबकि अल्केन में नहीं होती तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी ठीक है मैं आपको एक कंपाउंड देता हूँ आपने उसका नाम खुद बताना है ठीक है एक कंपाउंड पे सर इसकी स्वीट स्मेल कैसी होती है स्वीट स्मेल का मतलब क्या खुशबू अच्छी होती है शराब की बेटा जितने भी शराब होते हैं अल्कोहल ग्रुप होते हैं इसके अंदर स्वीट स्मेल होते हैं ठीक है हाय अल्लाह चलो एक और तो उन लोगों के मुंह से बुरी बू क्यों आ रही होती है वो तो उसके मुंह से आ रही होती है ना शराब में से तो बदबू नहीं आती है शराब की तो खुशबू होती है वो आपके मैदे में जाती है स्टमक में जाती है तो खुराक होता है खुराक और शराब आपस में मिलके मुंह से बदबू आती है ठीक है वो तो बस अच्छा फर्ज करो अगर आपके पास एक कंपाउंड है देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और जो भी है ना वो एक कंपाउंड है बल्कि 5 की कर लेते हैं यार 6 नहीं करते हैं ये और इस पे क्या लगा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 ग्रुप लगे हुए हैं डिफरेंट ठीक है अब देखो मिसाल यहाँ पे OH लगा हुआ है एक OH यहाँ पे लगा हुआ है एक OH यहाँ पे लगा हुआ है एक OH यहाँ लगा हुआ है एक OH यहाँ लगा हुआ है बाकी हाइड्रोजन है तो इसका नाम कैसे होगा बहुत इजी सा नाम है देखो ज़रा पहले तो आपने काउंट करने हैं कि ये OH कितने हैं एक ये OH है एक OH ये है एक OH ये है यहाँ पर है तो इनको पोजीशन आप नंबरिंग देंगे तो नंबरिंग कहीं से भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है अब आप ये होगा सर ये होगा सर 5 पेंटा ना 1, 2, 3, 4, 5 पेंटा 5 पेंटानोल पेंटा पेंटेन पेंटा पेंटानोल हाँ चलो चेंज कर दिया ताकि थोड़ा सा आप फर्क रहिए अच्छा मैं सर 1, 2, 4, 5 आपने पहले पोजीशन देखनी है 1, 2, 3 पे तो मिथाइल है ना तो 3 पे आ गया क्या मिथाइल यस सर 3 मिथाइल और आगे क्या क्या चीज है बेटा 1, 2, 4, 5 पे क्या है 1 पर है 2 पर है 4 पे है और 5 पे क्या है एक्स्ट्रा पेंटानोल 1, 2, 4 और 5 कितने पेंटेन है एक्स्ट्रा पेंटानोल तो आप कह सकते हैं कि पेंटेन तो लिख लिया ठीक है पेंटेन भी लिख दिया तो टेट्रोल भी कह सकते हैं टेट्रोल के स्पेलिंग क्या है TETROL टेट्रोल ठीक है तो ये आपका हो सकता है टेट्रा टेट्रोल होगा ठीक है टेट्रा माने 4 और टेट्रोल हो सकता है ठीक है ये इसके नाम आ जाएगा बहुत जबरदस्त आपकी तो बहुत प्यारी प्रैक्टिस है चलें इसको आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस भी करेंगे ना तो हो जाएगा अब इसमें ये भी देखना कि अल्कोहल के अंदर बेटा अल्कोहल के अंदर आपके पास याद रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ठीक है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये आपने शो भी करनी है तो आपको कोई भी अल्कोहल और वाटर लेना है जैसे मैं वाटर का स्ट्रक्चर रेड से बनाता हूँ ठीक है मैं कोई भी वाटर बनाऊंगा ठीक है या कोई भी अल्कोहल ले ले, ले कोई अल्कोहल ले ले जिसमें एक R और OH है अब इसके ऊपर जो लोन पेयर आपको नजर आ रहे हैं एक और अल्कोहल आप लेंगे ये ले ठीक है यहाँ पे R बेशक लिख दे ये ले R ठीक है तो यहाँ पे भी लोन पेयर है ठीक है एक और अल्कोहल आप ले लें ये लो तीन अल्कोहल के मॉलिक्यूल ले लिए ठीक है अब देखो और से देखे बेटा मैं इसको वाइट से बना रहा हूँ देखो ये हाई नेगेटिव जो बॉन्ड है ये वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इसी तरह ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो जो जिसको अट्रैक्ट करता है इस पर पार्शियल नेगेटिव होता है जिसको अट्रैक्ट करता है उस पर पार्शियल
पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है, जो अट्रैक्ट करता है उस पे पार्शियल नेगेटिव, जिसको करता है वो पार्शियल पॉजिटिव। हां तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऐसे, ठीक है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, तो इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक है। ये तो हमने खैर इसके बारे में पढ़ लिया। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया बेटा। अब हमने इसको, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसकी हमने आज प्रिपरेशन करनी है, ताकि उसके बाद टाइम तो खत्म होने वाला है, 7-8 मिनट है, लेकिन हम इसको कवर कर लेंगे। बेटा याद रखना, काफी मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के, लेकिन हमने जो पढ़ने हैं वो हमने वो पढ़ने जो हमारे सिलेबस में है, तो हम ये कह सकते हैं कि 6 मेथड्स है, ठीक है, 6 मेथड्स है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के, ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। हमें 6 मेथड्स के पहले तो नाम याद होने चाहिए, कौन से कौन कौन से। नंबर वन, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको दोबारा, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ये पहला मेथड है कि अल्कीन के अंदर आपने वाटर डालना है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, दिस इज द मेथड नंबर वन। मेथड नंबर टू जो होगा वो कैसा है बेटा, मेथड नंबर टू है हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड की आप बेटा हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो भी आपको अल्कोहल मिल सकता है। नंबर थर्ड आपके पास आता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि RMGX का रिएक्शन ऑफ RMGX, जिसको आप लोग ग्रिग्नार्ड कहते हैं, RMGX रिएक्शन किसके साथ, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ करेंगे, तो बेटा यहाँ से भी आपको मिल सकता है अल्कोहल। नंबर फोर मेथड जो है ना वो कौन सा है बेटा, रिडक्शन ऑफ अल्काइल है और हैलाइड भी करेंगे, यानी उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर आपने क्या ऐड करना है, गौर से देखे बेटा, आपने हाइड्रोजन ऐड करना है। और आखिरी मेथड जो है वो क्या है, बल्कि एक और भी है, 1, 2, 3 कितने हो गए, 4, 5वां अगला है रिएक्शन ऑफ, अगर आप करेंगे रिएक्शन ऑफ जो RMGX है जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं विद ईस्टर के साथ करेंगे, ईस्टर के साथ जब भी हम बनाएंगे उससे भी हमारे पास ये आ जाएगा। छठा जो प्रॉब्लम है जो हमारे सिलेबस में है वो है कि रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करेंगे किसके साथ, ठीक है, एंड ईस्टर की भी रिडक्शन करेंगे, एंड ईस्टर। तो बेटा ये 6 मेथड आपको फिंगर टिप पे याद होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अगर ये 6 मेथड याद हो गए तो आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। जो पहला मेथड है उसको तो हम पढ़ लेते हैं, मेथड नंबर वन बहुत इजी है, नंबर वन कौन सा है, अभी हमने बताया हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन का मतलब है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन की हाइड्रेशन करेंगे, और अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, आपको पता है डबल बॉन्ड, और हाइड्रेशन का मतलब क्या है कि वाटर को कहते हैं, एडिशन ऑफ वाटर को कहते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी, वैसे तो रिएक्शन ये होता है, देखिए जरा, अगर आप ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 कर दें, ठीक है, और वाटर को ऐड कर दें, ठीक है, और H2SO4 की मौजूदगी में कर दें, ठीक है, ये सिंपल सा है, तो इससे आपके पास बनेगा CH3CH2OH बन जाएगा। लेकिन होता ऐसा नहीं है, इसके लिए आपने क्या करना है, पहले E3 लेना है बेटा, ये देखो E3 का आपने रिएक्शन करना है सल्फ्यूरिक, पहले रिएक्शन इसका इसके साथ आपने करना है, ठीक है, तो आपने इसके साथ रिएक्शन करना है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, तो सल्फ्यूरिक एसिड को मैं ब्लू से बनाता हूँ, HOS OH इसके नीचे OH होगा, क्या बेटा देखें, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, तो ये एक एच है, ये जब टूटेगा तो ये एक एच इसके पास आ जाएगा, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक जो कंपाउंड आपके पास है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये इसके साथ आ जाएगा, कैसे, इस पे क्योंकि
ये आपके पास और ये इसके पास आ जाएगा, तो इससे वक्ती तौर पे एक कंपाउंड बनेगा फॉर द टाइम बीइंग। वो कैसे होगा, उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, देखो पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। तो ये सी एच, एक एच इधर है, एक एच इसके ऊपर है ये वाला, और जो एच नीचे है उसको मैं रेड से शो कर रहा हूँ, ये ले, और ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। इसी तरह ये कंपाउंड, ये दोनों जो है ना, इसको मैं व्हाइट से शो कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी मौजूद थे ऐसे, ठीक है, ये वाला। बल्कि एक काम करता हूँ, इसको इस तरह लिखता हूँ ताकि याद है, ये रेड वाला जो व्हाइट वाला है ये ऑलरेडी मौजूद थे, और जो आ रहा है इसको मैं पर कौन से ब्लू से लिखता हूँ। ये सिंपल सा ये रिएक्शन है, ये देखे। अब क्या होगा, इसी स्टेप को देखे बेटा आप, इसके साथ मजीद वाटर रिएक्ट करता है सेकंड स्टेप में। अब इसके साथ जब दोबारा वाटर रिएक्ट करेगा ना, अब देखिए बेटा होगा क्या, ये अपना H2SO4 दोबारा बना लेगा, दोबारा H2SO4 बन जाएगा, और OH जो है ना ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो H2SO4 दोबारा निकल गया, प्लस CH3CH2OH बन गया, ठीक है। ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है, दिस इज कॉल्ड कैटलिस्ट। जी सर, कैटलिस्ट क्या होता है, just speed up the chemical reaction and does not take part yes, sir. खुद रिएक्शन में पार्ट मतलब लेता, निकल जाता है। बिल्कुल इजी सा रिएक्शन था, आपने देख भी लिया। इसी तरह अगर आपसे ये तो कुछ भी बन गया, प्रोपानोल भी बन सकता है वगैरह, तो एक और रिएक्शन मैं आपको देता हूँ, बाकी कल इंशाल्लाह करेंगे, लास्ट रिएक्शन है इसका करते हैं। एक और रिएक्शन है इसी का, अगर ये मैं प्रोपीन बना लूँ, जैसे देखिए ये CH3 है और CH है और डबल बॉन्ड है और ऐसे, बेटा ये तो बहुत इजी हो जाएगा। देखो ये H है तो ये CH3 हो गया, ये H है और ये H है। अब इसका भी वही करना है, ठीक है, पहले वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे H2O के साथ, किसकी मौजूदगी में, H2SO4 की मौजूदगी में होगा, तो इससे CH3, ठीक है, और क्या हो जाएगा, C के साथ OH आ जाएगा और CH3 और नीचे आ जाएगा H, ये 2-propanol बनेगा। अब 2-propanol कैसे बनेगा बेटा, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए पहला काम तो आपने ये करना है ना, पहली फुर्सत में आपने ये करना है कि इसके बॉन्ड आपने अलग-अलग बनाने हैं, ये देखिए, क्योंकि इसमें मार्कोनिकोफ रूल भी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब देखें ये, अब मैंने 2-propene बना दिया, ये मैंने प्रोपीन बना दिया, ठीक है, प्रोपीन, कौन सा प्रोपीन है, 1 to 1। अब पहला तो इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको ओपन स्ट्रक्चर में लिख रहा हूँ, वैसे आप इसको क्लोज में भी लिख सकते हैं। अब देखो क्या होगा बेटा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, तो ये जो H है, ये H, ये किस कार्बन के पास जाएगा, जिसके पास ज्यादा होंगे, ये देखो इन दोनों, यस सर, यहां पे आपने मार्कोनिकोफ रूल अप्लाई करना है, रिचर गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअर, और ये जो नेगेटिव हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पे अटैच हो, तो इससे क्या चीज बनेगी, देखिए जरा, यहाँ से तो CH3 आएगा, ये लो, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, CH3, ये, और ये C के ऊपर आपके पास H है, नीचे क्या आया है, ये ग्रुप पूरा OSO3H, मैंने शॉर्ट लिख दिया, बाकी क्या है, CH3। अब जब इसका वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे बेटा, देखें तो होगा क्या कि ये वाला इसके साथ दोबारा बना लेगा और वाटर इसकी जगह पर आ जाएगा, तो इससे बनेगा CH3, C के साथ ऊपर OH या नीचे OH कर दें, नीचे H और ये CH3 है, इसको हमने कह दिया 2-propanol, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोपीन से, 1-propene से सवाल भी कन्वर्ट हो गया, देखो जरा, 1-propene से हमने कन्वर्ट कर दिया 2-propanol, ठीक है बेटा। टाइम खत्म हो गया, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मजीद इसको समझने के लिए आप केमिस्ट्री विद डीएनए के टॉपिक में चैनल में जाएंगे, ठीक है, वहां पे मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर दी, ठीक है, मैंने वहाँ पे इसकी वीडियो अपलोड कर दी है, पीछे जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं वो हमने अपलोड कर दी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ बेटा। टेस्ट क्या, टेस्ट
टेस्ट का क्या मार्क्स भेजे नहीं था हां टीचर को अच्छा अच्छा भेज दूंगा कोई टेंशन ना लो डज नो मैटर ठीक है थैंक यू बाकी चेक कर लिए हां बाकी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू बेटा अस्सलाम वालेकुम सर अल्लाह हाफिज़ अल्लाह